इंसान की पहचान विषम परिस्थितियों में ही होती है। पेड़ तो ऐसे सामान्य वातावरण में या सामान्य मौसम में खड़े ही रहते हैं। पेड़ कितना मजबूत है वो आंधियों में उसकी जड़ों की मजबूती का पता चलता है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूबल है। बहुत है कि हमारे पास सब कुछ है, हर सुख सुविधाएं हैं, और हमें कुछ गलत काम करने का मौका नहीं मिला या हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम अच्छे हैं। जब इंसान के पास सुख सुविधाएं नहीं हो, मजबूरी है, हर चीज का अभाव हो, उसके बावजूद भी अपने सिद्धांतों पर कायम हो, उसको बोल सकते हो कि वो आदमी के इंसानियत की पहचान है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी वीडियो को, लाइक करें, और अपने बहुमूल्य विचार जो हैं मेरे नीचे जो कमेंट बॉक्स दिए हैं उसमें ज़रूर व्यक्त करें, जिससे कि मुझे एक एनर्जी मिले कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं कि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अवगत हो जाएं मेरे वीडियो से। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक गुरुकुल में एक महात्मा या गुरुजी बोलिए अपने छात्रों के साथ रहते थे। उनका दिनचर्या होता था कि भिक्षाटन करते थे और भिक्षा मांग मांग के वो अपना जीविका चलाते थे। कुछ बच्चे होते थे वो भिक्षाटन के लिए निकलते थे, दूर दूर जाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, वही रात को खाना होना बनता था, उसी को सारे बच्चे प्यार से खाते थे और शिक्षक भी खाते थे, गुरु भी खाते थे और रहते थे। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ जाते जाते बहुत दूर निकल गए। दूर निकल गए तो उनको भूख लग गई। भूख लग गई तो गांव में उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक गरीब आदमी निकला और बोला कि बोलिए गुरुजी आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने बोला कि देखो बहुत दूर चल के हम आ गए हैं और शाम का ऐसा रात हो गया, मतलब शाम का इतना टाइम हो गया है, अब ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमें लौटने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम सोचे कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम आपके घर में रात को यहाँ पर गुजार लें और सुबह तड़के चले जाएँगे। कह रहे ठीक है। तो उसने रात को उनका गुरुजी का व्यवस्था किया, उनके छात्र का वो खाना वाना जो भी था उन्होंने परोसा, वो खाए गुरुजी और अपने शिष्य के साथ सो गए, सुबह हो के चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर वही शिष्य के साथ गुरुजी निकले और निकलते निकलते फिर ऐसा मौका आया कि वो लोग काफ़ी देर हो गया उनको लौटने में और वो लोग फिर किसी गांव में पहुंच गए जहां पे उनको लौटने का, वहां से उनको लग रहा था कि लौटने में बहुत रात हो गया है तो लौटना नहीं चाहिए, तो उन्होंने देखा कि एक काफ़ी बड़े सेठ का घर है, तो उन्होंने वहां पे जाके दरबान को बोला तो सेठ बाहर निकला तो बोला कि देखिए सेठ जी हम लोग, उन्होंने अपना परिचय दिया और हम काफ़ी हमें विलम्ब हो गया लौटने में, तो अभी हम सोच रहे हैं अगर आपकी अनुमति हो तो आपके यहाँ अपना रात को रह सकते हैं और सुबह हम निकल जाएंगे।
सेठ जी ने घर में बुलाया, बड़ा आदर सत्कार के सुनका और पूरा सोने वोने का व्यवस्था किया और खाने पीने का जो व्यवस्था होता है उन्होंने अच्छे से आदर करके और खाना वाना खिलाया उनको। सुबह जैसे कि गुरुजी ने बोला था वो अपने शिष्य के साथ निकल गए वापस। रास्ते में उन्होंने ऐसे बात करने लगे तो उनका शिष्य बोला कि अरे यार सेठ जी ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, कितना आदर किया, ये किया वो किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सेठ का आदर भाव बहुत है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कभी भी वो गरीब आदमी का जो खाना था मेरे को बहुत स्वादिष्ट लगा था। तो शिष्य बोला ऐसा कैसे, वो तो साधारण था खाना खिलाया था और कुछ तो खाना नहीं खिलाया था। ये सो सेठ जी तो पुआ पकवान हर चीज़ का मतलब जो व्यवस्था हो सकते अपने से अच्छे चीज़ें का व्यवस्था किए। कह रहे चलो कोई नहीं, हम इसके विषय में दूसरे दिन इसको बताऊंगा कि क्यों मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों मानता हूँ कि मेरे को जो उस गरीब आदमी का खाना था वो सबसे स्वादिष्ट लगा था और सबसे अच्छा लगा था। कुछ दिनों के बाद उनको अवसर मिला अपने शिष्य को लेकर उसी गांव गए जहां पे वो गरीब व्यक्ति रहता था। जाने के बाद उन्होंने पूछा कि आज मैं रुक सकता हूं, तो गरीब ने बोला कि हाँ आप रुक सकते हैं। कह रहे कि उन्होंने बताया कि फिर मैं रास्ता भटक गया और लेट हो गया जाने में, तो मुझे फिर आपको कष्ट देना पड़ेगा। कह रहे ठीक है, चूंकि अचानक पहुंचे वो तो उन्होंने व्यवस्था किया सोने होने का, रात्रि के भोज के लिए उन्होंने पूरा खाना बनाने का व्यवस्था किया। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो खाना बनाने गए तो उन्होंने अपने शिष्य को लेकर चुपके से उनके रसोई के पास गया। तो रसोई में क्या वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जो खाना था वो उन तीन परिवार के लिए था, तीन लोगों के लिए था, जो मियाँ बीवी थे उनका एक बच्चा था। चूंकि दो शिष्य लोग आ गए मतलब गुरु और शिष्य आ गए तो दो लोग बढ़ गए, तो उनके पास खाना उतना ही था क्योंकि वो दिन भर वो जो भी वो लोग भी काम काज करते थे इतना ही कमा पाते थे कि वो अपने तीन आदमी का खाना ही मुश्किल से जुटा पाते थे। तो अब वहाँ पे वो बातचीत चल रही है, उन्होंने बोला कि देखो आपस में तीनों लोग बोल रहे हैं नहीं मेरे को भूख नहीं है, तो पत्नी बोले मेरे को तो भूख नहीं, मैं सुबह खाई थी वो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ। लड़का ऐसे बोला पिताजी मैं तो बहुत खेल के कहीं गया था दोस्त के यहाँ, वहाँ खाना खा लिया तो मेरे को खाने की जरूरत नहीं है। तो बोले कि देखो इनके पास खाना नहीं है, इन्होंने अपना पेट काट कर हमें खिलाया था। जब हम दो लोग खाना उस दिन खाए थे तो दो आदमी यहाँ उपवास सोया था। सेठ के पास धन संपदा सब कुछ है, उनको उपवास सोने की जरूरत नहीं है। जब हम दो आदमी क्या दस आदमी भी अचानक पहुंच जाए तो हम दसों आदमी को खाना खिला सकते हैं। उनके घर में किसी को उपवास रहने के लिए जरूरी नहीं है कि हमको खाना खिलाए तो उनको उपवास रहना पड़े। इसलिए मेरे को इनका खाना स्वादिष्ट लगा। मैं कभी भी नहीं बोलता कि सेठ का खाना स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन आपके पास अगर कोई चीज़ केवल इतनी हो कि उसे आपका ही कुछ हो सकता है, इतनी ही कम मात्रा में हो, उसके बावजूद भी आपका दिल इतना बड़ा है कि आप अपने आगे की थाली किसी और को दे देते हैं, इससे बड़ा दिल कोई नहीं होता। दुनिया में से बहुत कम लोग मिलेंगे जो अपने आगे हुई सफलताओं को या अपने मौकों को दूसरों के लिए छोड़ दें, ऐसा कम मिलता है। कम से कम अगर हम ऐसा नहीं करें, मान लीजिए कि किसी को कोई चीज़ का मौका मिलता है, हम अपना मौका गंवा के दूसरों को दे दें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन कम से कम हम दूसरे की भावनाओं का इतना कदर करें कि अगर हमारे पास है या हमारा काम चल सकता है, या मान लीजिए कोई आपके पास नौकरी की अपॉर्चुनिटी है तो आप उन लोगों को दिलाएं जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। ऐसे ही हम अपने समाज को सुंदर और सभ्य बना सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद।